अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यार इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए कि जिसमें मतलब मुकम्मल डिटेल से वॉच टाइम के रिलेटेड बताया जाए। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मतलब वॉच टाइम के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं कि कौन सा वॉच टाइम जो है वो मतलब आपका काउंट होगा, हमें वॉच टाइम कहाँ से देखना चाहिए, को हमारा जो वॉच टाइम है मोनेटाइजेशन टैब में कितने दिनों का जो है वो काउंट होता है, और मोनेटाइजेशन के लिए हमें कितना और कहाँ से लेके कहाँ तक कितने दिनों के अंदर जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट करना होता है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा। उससे पहले कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एलियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इस पर यूट्यूब चैनल के रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आती रहती हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल के रिलेटेड जो मुकम्मल डिटेल इधर से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर लोगों को सवाल होता है कि यार अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर 365 दिन के अंदर एक साल के अंदर कम्प्लीट नहीं कर पाते तो क्या हमारा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसको नहीं कर पाते तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 365 दिन के अंदर YouTube चैनल जो है वो अगर आपके मतलब वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपने सिर्फ अपना YouTube चैनल पे जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट करना है, चाहे वो आपके 12 महीने लग जाएं, 13 महीने लग जाएं। अब इसमें एक बात यह है कि आपके YouTube चैनल के जो वॉच टाइम है वो काउंट कैसे होता है। अब आपके YouTube चैनल अगर आप जाएँ YouTube स्टूडियो में जाके एनालिटिक्स में जाके जाएँ तो उधर आपको मुकम्मल वॉच टाइम दिखाई देता है, मतलब आपको मतलब सारा वॉच टाइम दिखाई देता है। उधर आप कहते हैं कि यार हमारा वॉच टाइम ज़्यादा है, लेकिन मोनेटाइजेशन टैब में हमारा वॉच टाइम कम क्यों शो हो रहा है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मोनेटाइजेशन टैब में आपका जो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हैं, जो आपके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आपने लास्ट 365 डेज़ में लिए होंगे वो आपका शो होगा। अब सपोज़ करें आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आपको 12 छोड़ें आपको 13 महीने लग गए अपने यूट्यूब चैनल के जो मतलब वॉच टाइम कंप्लीट करने में, तो आपने जो पहले मंथ में यूट्यूब चैनल बनाने के बाद पहले मंथ में जो वॉच टाइम लिया था वो आपका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन टैब में काउंट नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ लास्ट पिछले 365 दिन का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होगा। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपका वॉच टाइम जो है वो कौन सा जो है वो काउंट होता है। और अगर आपका मतलब नहीं भी आपका ये कर पाते तो आपका सिर्फ और सिर्फ पिछले 365 दिनों के अंदर जो वॉच टाइम है वही कंप्लीट होगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार 365 दिन के अंदर अगर मैं नहीं कंप्लीट कर पाया तो मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने जैसे आपको आपको पहले बताया कि आपको लास्ट 65 डेज़ आपका जो यूट्यूब चैनल है वो पिछले 365 दिनों के अंदर जो मतलब वॉच टाइम है वही आपका काउंट करता है, उसी से ही आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा। अब चलते हैं दूसरी वीडियो की दूसरी मतलब हम पॉइंट की तरफ, और जिसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हमने ना वॉच टाइम ख़रीदना है, मतलब वॉच टाइम ख़रीद के क्या हम यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली एट अ टाइम इस वक्त में जो यूट्यूब चैनल पे बहुत से लोग जो वॉच टाइम दे भी रहे हैं तो आप उससे ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप वो वॉच टाइम देते हैं वो नॉन सर्विस जो है सोर्स से होता है, मतलब आपको पता नहीं होता कहाँ से वॉच टाइम दे रहे हैं। उसके बाद देखें जो आपका वॉच टाइम हुआ वो आपको मोनेटाइजेशन टैब में भी शो होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका जो वॉच टाइम वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, जो भी आप वॉच टाइम लेंगे वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब आप लेंगे तब आपके पास आ जाएगा, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज़ वो जो वॉच टाइम मुकम्मल तौर पे डिलीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं तीसरी मतलब पॉइंट की तरफ, और बहुत से लोग कहते हैं कि यार मोबाइल पे बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कहती है कि हम आपको जो वॉच टाइम देते हैं आप मुझे पैसे दें। तो मोबाइल पे बेसिकली कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है नहीं है जो कि आपको मतलब ऐसे वॉच टाइम दे और आपका यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करे, तो ऐसे मोबाइल के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। अगर आप मतलब मोनेटाइजेशन अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप अपना कंटेंट बना के अच्छा कंटेंट बना के अपलोड करें, आपकी अगर कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो उस पर मतलब ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, ज़्यादा उस पर वॉच टाइम गेन हो जाता है। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की चौथे पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार हम ना जो अपनी YouTube वीडियोस की जो वीडियोस हैं उसे हम स्लो करके देखते हैं तो क्या हमारा जो YouTube चैनल है वो मतलब मोनेटाइज हो जाएगा, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है। तो दोस्तों, एक बात मैं इधर आपको बता दूं कि जब भी YouTube में कोई ऐसी फ़ीचर आती है तो वो फ़ायदे के लिए होती है। अब देखें YouTube पर ये जो स्लो करने का ऑप्शन है या फिर फास्ट करने का ऑप्शन है, ये क्यों YouTube ने अपलोड किया है। अब इसके पीछे ये मकसद तो है नहीं कि यार हम किसी गाने को स्लो करके सुन सकें, तेज़ करके सुन सकें, तो उसके पीछे मज़ा ही नहीं रह जाता कि आप कोई मूवी या फिर कोई गाना या फिर कोई नाच जो है वो स्लो करके देखें। तो इसके पीछे बेसिकली एक ही रीज़न है कि आप अपना जो वीडियो है उसका जो वॉच टाइम है वो आप बढ़ा सकते हैं, मतलब आप अपने दोस्तों को कहें यार मेरी वीडियोस को स्लो करके देखें, तो जिस जहाँ आपकी 5 मिनट की वीडियो होगी अगर वो 0.5 पे करके देखेगा तो आपको 10 मिनट वॉच टाइम जो है वो मिलेगा। तो ऐसे भी आप जो अपना वॉच टाइम है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको तकरीबन बताना था कि ये जो ज़्यादातर दोस्तों को यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि यार हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो वॉच टाइम ऐसे हो रहा है हमारे पास। और हाँ, एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया कि आपने वॉच टाइम चेक कहाँ से और कैसे करना है। तो अब देखें, बहुत से दोस्त जो है वो यूट्यूब से तो आप चेक नहीं कर सकते, आप जो अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम है एक यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन उधर से चेक कर सकते हैं, और यूट्यूब स्टूडियो जो है वेबसाइट उधर से कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी यूट्यूब स्टूडियो से चेक ना करें यूट्यूब स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है, क्योंकि उधर आपको मतलब मुकम्मल आपका वॉच टाइम दिखाया जाता है, लास्ट 65 डेज़ का नहीं दिखाया जाता और उधर जल्दी अपडेट हो जाता है। लेकिन आप जो दूसरी साइड पे YouTube स्टूडियो वेबसाइट है उधर थोड़ा सा कम अपडेट होता है YouTube चैनल का वॉच टाइम। तो आप, मैं आपको कहता हूँ कि आप YouTube चैनल पे जाएं, क्रोम में जाएं, क्रोम में जाके आप उधर से YouTube स्टूडियो ओपन करें और उधर से आप जाके YouTube स्टूडियो का जो वॉच टाइम है, आपने YouTube चैनल का वॉच टाइम उधर से देखा करें मोनिटाइजेशन टैब में, उधर आपको एग्जैक्ट जो वॉच टाइम है वो आपको बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।